कोलोसिन है क्या चीज़? फ्रेंड्स, कोलोसिन ऐसा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फ्रेंड्स कम होने के वजह से हम लोग के फेस में बहुत सारा उम्र बढ़ने का लक्षण आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कोलोसिन को कैसे आप बूस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, पहले तो जान लेते हैं कोलोसिन कम होने के वजह से हम लोग के फेस में क्या क्या दिक्कत आता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रॉब्लम है तो वो है कोलोसिन कम होने की वजह से आपकी स्किन सैगी हो जाते हैं, आपकी स्किन ढीले पड़ने लगते हैं। कोलोसिन कम होने की वजह से आपकी स्किन में ग्लो खो जाता है। कोलोसिन कम होने की वजह से आपके फेस में रिंकल आने लगता है। और कोलोसिन कम होने की वजह से फ्रेंड्स उम्र बढ़ने के सभी लक्षण आ जाता है। तो इससे बूस्ट करने के लिए, इसे फिर से रिटर्न आपके फेस में लाने के लिए हम लोग कैसे होम रेमेडीज को इस्तेमाल करते हैं, उसी का एक बेस्ट टिप्स आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी। और भी ये रेमेडी फ्रेंड्स बहुत ही इजी भी है और बहुत तुरंत काम करता है। यानी फ्रेंड्स, इसे इस्तेमाल करने से तुरंत ही आपके स्किन का कोलोसिन बूस्ट हो जाता है, आपकी स्किन टाइट बन जाती है, आपकी स्किन में ग्लो आ जाता है, आपकी स्किन में रिंकल कम होने लगता है और आपके फेस इतना ज़्यादा ग्लो करता है कि आप फ्रेंड्स आप फिर से जवान बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। फेस मास्क है, इसे बनाने के लिए मैं जो भी इस्तेमाल करूँगी सब कुछ आपको घर पर मिल जाता है। बहुत ही सस्ते में ये रेमेडी हो जाता है। कोलोसिन बूस्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारा ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट लेते हैं ताकि हम लोग फिर से जवान बने। तो ये सब वगैरह वगैरह बहुत खर्चे के बारे में हम लोग सोचते हैं, पर थोड़ा बहुत आप टाइम निकाल के घर का चीज़ इस्तेमाल कर लेते हो तो फ्रेंड्स आपके पैसा भी नहीं खर्चा होता है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नेचुरल चीज़ से आप इसे करते हो तो फ्रेंड्स नेचुरली आपकी स्किन में ये नेचुरल ग्लो दिलाता है, नेचुरल दिखते हैं वो आप। ऐसा नहीं है कि आपने आर्टिफिशियल से, प्लास्टिक सर्जरी से या किसी भी तरह से आपकी स्किन को टाइट बनाया हो तो फ्रेंड्स उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट देखा जाता है। तो वो सब ना करके आप अपने आप को नेचुरली खूबसूरत बनाना चाहते हो, जवान बनाना चाहते हो तो इस रेमेडी को जरूर देखें। ये जो रेमेडी है फ्रेंड्स, ये हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। 70 साल जिनकी उम्र हो गया वो भी इसे इस्तेमाल करोगे तो फ्रेंड्स गारंटी है कुछ दिन बाद आप फिर से 20 साल के दिखोगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपकी स्किन को इतना ज़्यादा टाइट बना देता है, इतना ज़्यादा ग्लो ला देता है आपके फेस में, रिंकल को इतना जल्दी से मिटाता है कि आप फ्रेंड्स बहुत बहुत जवान बन जाते हो, आप फिर से आगे का दिखने लगते हो। और जिनके फेस में शायद रिंकल नहीं आया है, यानी जिनकी उम्र 20 साल है या स्किन सैगी नहीं हुए है, आपकी स्किन में ग्लो है अभी भी और आप सोच रहे हो तो ये रेमेडी तो मेरे लिए नहीं है, ये रेमेडी तो उम्र बढ़ने का, जिनके उम्र बढ़ चुके हैं उनके लिए है, पर नहीं फ्रेंड्स, ये रेमेडी सभी के लिए है। 20 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक हर इंसान ये लगा सकते हो। इसे लगाने से फ्रेंड्स फ्यूचर में आपके उम्र बढ़ने का जितने भी लक्षण है वो सब एक भी आपके फेस में नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हर वक्त ये आपके कोलोसिन को बूस्ट करते जाएगा, आपके कोलोसिन से आपके फेस से कोलोसिन को कम होने नहीं देगा। तो इसी वजह से फ्रेंड्स 20 साल से लेके 70-80 साल तक हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए एक बार देख लेते इसे कैसे बनाया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैं इसे बनाने के बाद अपने फेस में लगा के दिखाऊंगी, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में करती आ रही हूँ। अपने फेस में लगाने के तुरंत बाद आपके सामने इसे धो के भी इसका इंस्टेंट भी रिजल्ट दिखा देती हूँ मैं। तो इस वीडियो में भी मैं तुरंत बाद इसे धो के इसका इंस्टेंट रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स बने रही मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक, अच्छे से देखना वीडियो को। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, पर वीडियो देखने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और फ्रेंड्स आप शेयर जरूर करना इस वीडियो को ताकि हर कोई इसे देख पाए। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो तो देखिए मेरे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उसे क्लिक करो और उसके साथ बेल बटन को भी क्लिक कर लो। ये हर रोज़ मैं बोलती हूँ, जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो जरूर करो और जो लोग कर चुके हो उनके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसके लिए आपको घर का क्या क्या चीज़ लेना है। तो इसके लिए पहले जो हम लोग लेंगे वो है फ्रेंड्स बनाना। थोड़ा सा काला हो चुका है ऐसा, यानी सॉफ्ट हो जाएगा ऐसा बनाना आपको लेना है। केला फ्रेंड्स बहुत बहुत अच्छा रहता है स्किन को टाइट बनाने के लिए, ग्लोइंग स्किन दिलाने के, रिंग
केल को मिटाने के लिए। तो बहुत सारा बेनिफिट देता है केला। तो आपको लगभग 1 इंच नाप का केला ले लेना है और इसे कद्दूकस करके स्मैश कर लो। तो ऐसे मैं कद्दूकस करके केले को ले रही हूँ। ये जो स्मैश किया हुआ केला निकलेगा लगभग 1 से 2 चम्मच निकलेगा। तो 2 चम्मच मुझे स्मैश केला लेना है। और ये मैं काला केला इसीलिए लेने के लिए बोली हूँ क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट रहता है तो इजीली ये स्मैश हो जाता है। तो देखिए ये 2 चम्मच लगभग मैंने केला लिया है। कोई भी केला ले सकते हो आप। बाज़ार में तो 3 तरह का केला आता है तो उनमें से कोई भी केला आप ले लो। और इसके बाद फ्रेंड्स इसके साथ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जोड़ना है, वो है फ्रेंड्स कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर फ्रेंड्स यानी मक्की का आटा, स्किन को टाइट बनाने के लिए, स्किन को ब्राइट बनाने के लिए, स्किन का दाग धब्बे को मिटाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ फ्रेंड्स हम लोगों के फेस में दाग धब्बे भी आ जाते हैं, स्किन का फेयरनेस भी खो जाने लगता है, स्किन डल होने लगता है। तो इनके लिए फ्रेंड्स 1 चम्मच आपको इसमें कॉर्नफ्लावर जोड़ना है। कॉर्नफ्लावर फ्रेंड्स आप इसमें अच्छे से डाल के पहले थोड़ा बहुत मिक्स कर लो, गूंद लो, जैसे हम लोग गूंदते हैं ऐसे आप चम्मच की मदद से ऐसे केले के साथ अच्छे से मिक्स कर लो। और उसके बाद ही आप सब, इसके बाद और भी 2 इंग्रेडिएंट्स आपको इसमें ऐड करना है तो उन सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करो। तो फिर इसके बाद मैं जोड़ रही हूँ दूध। मिल्क फ्रेंड्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर रहता है। मिल्क में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज रहता है, जब आपकी स्किन को फेयर बनाने के लिए हेल्प करता है, आपके स्किन में ग्लो ला देता है, रिंकल को मिटाता है। तो नेक्स्ट मैं इसके साथ जोड़ूंगी फ्रेंड्स विटामिन ई कैप्सूल। तो मैंने सब रसोई का चीज़ लिया है, एक से विटामिन ई ले रही हूँ मैं। ई आपको खरीदना पड़ेगा घर पे नहीं है तो, पर आपके पास नहीं है आप खरीदना नहीं चाहते हो तो इसे स्किप करके आप इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ 1 विटामिन ई कैप्सूल का लिक्विड। फ्रेंड्स विटामिन ई बहुत अच्छा रहता है स्किन को ग्लोइंग स्किन दिलाने के लिए, स्किन को टाइटनिंग बनाने के लिए, स्किन का रिंकल को मिटाने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स उम्र बढ़ने के साथ साथ कोलेजन जैसे जैसे कम होता है, फेस का विटामिन ई भी कम होने लगता है। तो विटामिन ई को रिटर्न आप ऐसे डायरेक्ट लगाते हो तो फ्रेंड्स आपके जो विटामिन ई का कमियाँ है, स्किन का कमियाँ के वजह से जो जो बुढ़ापा का लक्षण आ रहा है तो वो सभी लक्षण को ये रिड्यूस करता है। तो विटामिन ई बहुत अच्छा रहता है। तो इन चारों का अच्छे से मिक्स करो। अभी इसके जगह आप कोकोनट ऑयल जोड़ते हो तो फ्रेंड्स वो भी विटामिन ई से भरपूर रहता है तो वो भी आप ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं इसे अपने फेस में लगा के दिखाती हूँ इसका इंस्टेंट रिजल्ट, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ, अभी चलिए मैं अपने फेस में इसे लगाऊंगी। लगाने से पहले आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है यानी धो लेना है, क्लीन फेस में इसे लगाना है। दिन भर में कोई भी टाइम इसे लगा सकते हो। तो मैं पानी से अपने फेस को धो रही हूँ, अच्छे से धो लेना। फेस में कोई भी किस्म का मॉइस्चराइजर या क्रीम वगैरह या फेस में आपके मेकअप है तो वो सब रिमूव करने के बाद अच्छे से धोने के बाद ही इसे लगाओ। तो ये मैंने धो लिया, अभी मैं अपने फेस में इसे लगाऊंगी। तो थोड़ा सा पोच भी आपको लेना है, हल्का पोच लो ताकि फेस में थोड़ा बहुत नमी रह जाए, उसके बाद इसे आपको लगाना है। ये एक टाइटनिंग फेस मास्क है तो फ्रेंड्स आपको इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो कि कहीं पे बैठ रहा है, कहीं पे बैठ नहीं रहा है, तो ऐसे ही आपको लगाना है। इससे ही फ्रेंड्स ये काम हो जाता है। तो इसे आपको आंखों के चारों तरफ और होंठ में नहीं लगाना है। ये केले की वजह से फ्रेंड्स ऐसा हो रहा है, पर इसी से फ्रेंड्स काम चल जाता है, इसी से आप स्किन एकदम टाइट बन जाते हैं। इससे लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको कम से कम 1 घंटा देना है। 1 घंटे तक आप इसे रखते हो तो फ्रेंड्स ये फुल ड्राई हो जाता है। तो या फ्रेंड्स फुल ड्राई जब तक ना तब तक आप इसे फेस में लगा के रखो। मैं जैसे लगा रही ऐसे आपको इसको लगाना है। तो 1 घंटा रखने के बाद ही इसे आपको धोना है। मैं तो इंस्टेंट रिजल्ट दिखाऊंगी आपको क्योंकि मैं कैमरे के सामने हूँ, तो मैं लगा के अभी का भी धो के दिखाऊंगी। पर आप याद रखो मैं जो भी दिखाऊंगी इसका रिजल्ट 1% शायद आपको दिखेगा, पर आपको 100% इसका रिजल्ट चाहिए तो फ्रेंड्स कम से कम 1 घंटा तो जरूर रखना अपने फेस में। और उसके सिवा फ्रेंड्स आप इसे फुल ड्राई कर सकते हो, यानी
रख सकते हो, जब तक ना ड्राई हो तब तक, तो फ्रेंड्स इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जब ये 1 घंटा बीत जाएगा और उसके बाद आप जब धोगे ना, तुरंत ही आप देख पाओगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगा, एकदम बेबी सॉफ्ट बन जाएगा, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसे जरूर ट्राई करना, और इसे फ्रेंड्स हफ्ते में आप 4 से 5 दिन इस्तेमाल कर सकते हो। जिनके भी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो चुके हैं, वो 5 दिन जरूर इसे इस्तेमाल करो, तो जल्दी से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अभी मैं इसे धो के भी आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लगा लिया है, अभी इंस्टेंट रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी धो लेते हैं। तो ये जब ड्राई होगा ना, तब आपके ये चीज़ जब आप रिमूव करोगे, तब फिर से आपको पानी से इसे सॉफ्ट बना लेना है। पानी छिड़क के या पानी डैब डैब करके आपको फेस में लगाना है, और पैक को पहले की जैसा फिर से बना लेना है। यानी पैक एकदम सॉफ्ट जब बनेगा, तब आपको इसे रनिंग वाटर से धोना है, या मैं जैसे चम्मच से रिमूव कर रही हूँ ऐसे आपको नीचे से ऊपर की तरफ खींच खींच के इस पैक को रिमूव कर लेना है, उसके बाद धो लेना है। फ्रेंड्स इसे लगाते ही आप देखोगे आपके फेस में एक ग्लो आ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए मैंने तुरंत लगा के तुरंत मैं रिमूव कर रही हूँ, मैंने अभी तक पानी नहीं लगाया, फिर भी मेरी स्किन देखिए कितना ग्लो कर रहा है। पानी से मैंने अभी तक नहीं धोया है, धोने के बाद तो और भी अच्छे रिजल्ट आप देख पाओगे। देखिए इंस्टेंट कितना ग्लो कर रहा है फेस पैक को रिमूव करते ही, और कितना टाइट लग रहा है। तो चलिए अभी मैं एक बार धो के भी दिखा देती हूँ। तो याद रखो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर आप 1 घंटा रखने के बाद ही धोना, या फुल ड्राई करने के बाद ही धोना, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो इसका 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं देखिए धो रही हूँ, तुरंत धोने के तुरंत बाद ही मेरे स्किन कितना ब्राइट हो चुका है, कितना सॉफ्ट हो चुका है, आप देख रहे हो कितना ग्लो भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये मैं अच्छे से रिमूव कर लेती हूँ, तो उसके बाद आपको 100% रिजल्ट मैं दिखा पाऊँगी, इंस्टेंट रिजल्ट आप देख पाओगे। और इससे लगाने के बाद आपके आप जब फेस को धोओगे ना, तभी आप फील कर पाओगे आपके फेस की स्किन कितना सॉफ्ट हो जाएगा कि। और इसे लगाने के बाद आपको कोई मॉइस्चराइज़र का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर हम लोग फेस पैक को लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, पर इसे लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको मॉइस्चराइज़र का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके स्किन को इतना सॉफ्ट ग्लोइंग बना देगा। तो देखिए मैं धो चुकी हूँ, अभी मैं इसे पोंछ के भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखो फ्रेंड्स मैंने पोंछ लिया है, तो ये है फुल एंड फाइनल रिजल्ट। तो फ्रेंड्स अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊँगी कुछ अच्छे से ब्यूटी टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।